तो नगरी को राजा मन पंतन का प्यार तोड़ता मन का पंथी तन का उड़ेगा खेत चुग जाएंगे चिड़ताएगा खेत जाएंगे रिया हम जप ले रट ले जिंदगी निचार है राम 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 संसार है मंदोरी तंबोर प्रभु के प्यारो मुझे ये नागन दोषी मालूम हुई है किसी शांत घर में हाहाकार मचा के आई मेरा ज्ञान भी यही कहता है नागिन ठहर जा बालक तू क्यों रो रहा है मेरी माँ ने जमींदार से कुछ रुपया उधार लिया था उसके लिए जमीन जायदाद गाय बैल सब कुछ धुआ लिया था आज एक वर्ष हुआ मेरी माँ का हास हो गया अब जमींदार ने ये घर से निकाल कर अनाथ बना दिया घबराओ नहीं बेटा धीरज रखो तो सब कुछ मिल जाएगा महाराज इस तरह जगह जगह ठहरते जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी हमारी दो बातों और थोड़ा भी किसी का भला हो किसी की अच्छी हो तो स्थानीय है वेद व्यास जी के 18 बार है परोपकार आए पुण्य पापाए पर पीड़नम महाराज पर करना पुण्य है दूसरों बताया रमानंद जानते हो ये कौन है आभा योगी है ना भेद आप ही जान सकते हैं छोड़ दो डरो नहीं बालक ये तुम्हारी माता है इसका दूध नागिन के रूप में हुआ है तुम पर कीड़ों का बदला लेने के लिए ये उसे टसकर आई है प्रभु जमीन जायदाद मिलने पर मेरी मां की आत्मा को शांति मिलेगी अच्छा हमारे साथ जमींदार जी कोशिश बेकार फल डाली से टूट चुका है पिंजरा टूट गया पंछी उड़ गया मर गया बेटा मेरा लाख जोगीराज मुझ पर भी उपकार कीजिए मेरा पुत्र मर गया इसे जीवन दान दीजिए तुम भी रो रहे हो देखा रामन धनी भी रोता है गरीब भी रोता है सबके रोने का कारण अलग अलग है परंतु रोता सारा संसार है इन संसारियों को बताने पर भी सही मार्ग दिखाई नहीं देता कैसे दिखाई दे मन की आंखें खुले बुद्धि पर से अज्ञान का पर्दा हटे भगवान का स्मरण करें सत्य का मार्ग पकड़े तो पाप कटे और रोना मिटे महाराज आप जो मांगेंगे मैं देने को तैयार हूं तू भिखारी जो खुद दूसरों से मांग रहा है वो मुझे क्या देगा भगवान दया कीजिए दया कीजिए प्रभु दया कीजिए प्रभु मेरी संतान को जीवदान दीजिए संतति चाहते हो या संपत्ति संतति संतान मेरा लाल लेकिन जाना भी चाहिए अत्यंत मोह में फंसा हुआ जीव है क्यों गृहस्थ एक काम कर सकोगे आज्ञा कीजिए महाराज ये सोने की सुई है इसे अपने पास रखो मरने के बाद इसे अपने साथ ले आना
मैं तुम्हें नरक के द्वार पर मिलूंगा, वहीं मुझे देना। भगवान, मैं मरने के बाद इसे कैसे ले आ सकूंगा? अपनी जैकेट या कोट के अंदर की जेब में रख लेना। मगर महाराज, मरने के बाद तो कपड़े भी उतार लिए जाते हैं। तो अब शरीर में किस जगह फिरो देना, साथ में आ जाएगी। शरीर भी तो यहीं कर राख हो जाता है। बस अपने साथ एक सुई भी नहीं ले जा सकता? प्रभु, ये तो न होने वाली बात है। और जो तुम कहते हो वो क्या होने वाली बात है? अरे, जब तुम एक सुई भी साथ में नहीं ले जा सकते हो तो ये पाप से पाई हुई जायदाद क्या तुम्हारे साथ जाएगी? इसे भी तो यहीं रखकर जाना होगा। गरीबों की मदद करने के बजाय उन्हें लूटकर क्यों अपने पाप की गठरी भारी करते हो? महाराज, आपने रहस्य की बात बताकर मेरी आंखें खोल दी। सुनो, मैं तुम्हें रहस्य की एक और बात बताता हूं। कभी कोई भी किसी का हक ना मारे। अन्याय और अधर्म का फल बहुत ही कड़वा होता है। ये तुम्हारे ही कुकर्मों का फल है कि तुम अपना लड़का खो बैठे हो। यदि अपने लड़के को जीवित देखना चाहते हो, बस कि जमीन, जायदाद और उसके संबंध के जो कागजात हैं उन्हें वापस कर दो। जल्दी ले आइए। अभी लाया। प्रभु, पधारिए। भद्रे, एक बड़े बर्तन में दूध मंगवाओ। जल्दी लाओ। अभी ला। जायदाद के कागजात जिसके हैं उसी को दे दो। ये लो भाई। धन्य हो प्रभु। महाराज, दूध ले आ। लड़के के पांव के पास रख दो। महाराज, अब जिलाने का उपाय कीजिए। ओम नमो शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। ओम नमः शिवाय। 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 नागिन, प्रभु कृपा समय के अंदर ही पापी ने पाप का प्रायश्चित कर लिया है। इस बालक की जमीन, जायदाद और तमाम कागजात वापस कर दिए हैं, इसलिए अब तू अपना जहर चूस ले। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः। ओम नमः शिवाय। 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 बेटा, मेरा लाल। बेटा, यही तुम्हारे जीवन दाता है, इन्हें प्रणाम करो। आपने हमारी संतान को जिलाकर हवन दिया है। संतान में और संसार में इतना मोह भी ना रखना चाहिए। हमेशा श्री सुखदेव जी की तरह निर्मोही कर रहना चाहिए। श्री सुखदेव जी की तरह? वो कहाँ और हम कहाँ। प्रभु, उनकी महिमा अपरंपार है। कृपा कर श्री सुखदेव जी की कथा सुनाकर हमें कृतार्थ कीजिए। आत्मन जी, ये दैवी संकेत है, इससे देव ऋषि नारद जी की भावना पूरी और श्री सुखदेव जी का जीवन चरित्र सुनकर जनता का कल्याण होगा। हाँ प्रभु, पधार मेरे को पावन कीजिए। नहीं, बैठकर सुनाएंगे। धन्य हो। भक्ति भाव से
मन को एकाग्र करके ध्यान से सुनो, श्री सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ। एक समय की बात, ध्यान में बैठे शंकर महायती, कलियां चुनती झूम झूम कर, गाती थी यह पार्वती। पती का पति से ही संपत्ति है, पत्नी का भगवान जी से जीवन का इतने जीवन। सखी का पति से ही सम्मान, पति है पत्नी का भगवान गीत ये जीवन का, गीत ये जीवन का। पति महिमा प्रभु की महिमा, जीवन का संगीत है ये, सपनों की सरस आरती ये गीत है। पति की महिमा महिमा जीवन का संगीत है ये, सपनों की आरती ये प्राणों का है। जीवन धन का दिया प्रभु ने नारी को वरदान दे, जीवन का ये जीवन का। पति का पति से ही सम्मान, पति है पत्नी का भगवान गीत ये जीवा, गीत ये जीवन का। पति पूरा दीप है मन मंदिर की माला, पति पूजा का दीप है मन मंदिर की माला। दिया नाम का दिया जगाए जीवन में उजियाला हो, जीवन में उजियाला। बिना पति के दीपा होता है कलित ये जीवन का, ये जीवन का। पति का पति से ही समान, पति है पत्नी का भगवान गीत ये जीवन का, गीत ये जीवन का। पति का पति से ही समान, पति पत्नी का भगवान गीत जीवन का, गीत ये जीवन का। नारायण नारायण। देव ऋषि प्रणाम। आप लोग और विष्णु लोग छोड़कर कैलाश की तरफ आने का कैसे कष्ट उठाया? दक्षसुता और शंकर पार्वती के कल्याण के लिए आज मैं बात बताने आया हूँ। कहिए। मुझे ऐसा लगता कि भगवान अपने मन की महान बात आपसे छुपाते हैं। वो क्या? महामंत्र निर्वाण विद्या अमर तत्व, जिसके जानने और सुनने से जन्म मरण की खटपट चटपट मिट जाती है। ऐसा? फिर वो विद्या कहाँ छुपा रखी है? अपने हृदय में। और अभी तक मैं न जान सकी? भी वो गुप्त रूप से तुम्हें छोड़कर मुंड जो विहार करते हैं। क्या ये? नारायण नारायण नारायण। दीदी मेरी बात पर विश्वास कर, तू मैंने जो कुछ कहा है वो विधि के विधान की तरह सत्य है, और जीवन का क्या बदल, इसलिए जो जानना हो नारायण लेकर भोले शंकर से शीघ्र जान लीजिए, साथ साथ संसार का भी कल्याण कर सको। नारायण 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 नारायण। दाल दिखाई देती हो, इस कारण? कारण ये कि आप मुझसे मैं रखता हूँ। ये कर सकता है इस एकांत में विहार करना, यही तो कट है। अच्छा है, आज तो की कृपा हुई जी। भला नारद जी ने तो बात तो सच कही, तुम उसे ठीक समझ नहीं पाती, और समझने बात है। सुनो, ये तुम्हारी पीली मुंडमाला है, स्वरूप है, तुम मुक्रिय हो, इसलिए मैं हर समय इसे अपने कंठ हाथिए रखता हूँ और विवाह करता हूँ।
क्या यही सच बात है? हाँ। ये सच बात है तो मेरे जन्म मन की उपाधि मिटाने के लिए आपके हृदय का अमृत सुनाकर मुझे क्यों नहीं अमर कर देते? अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें अमर तत्व अवश्य सुनाऊंगा। आओ अमर गुफा के पास चलकर एकांत में बैठे। चलिए। बैठो प्रिय। अब वो अमर तत्व सुनाइए। सुनो, परंतु निद्रा और माया के वशीभूत न होना और जिस तरह बच्चे कहानी से परखू हूँ किया करते हैं तुम भी उसी धमकारी देती रहना। ओम तत्वमसी महावाक्यम तदंतरम रातारकोयम मन अहं दिशामि ते मन्त्रं तारकं ब्रह्मवाचकम् श्रीराम राम रामेति एतरकमुच्यते। जो तुमने सुना मैं अब जन्म न लेना पड़ेगा। जो चाहो जहां चाहो जा सकती हो। अब तुम हो गई, तुम वो पूरी हो गई। प्रिय प्रिय जी फिर तुम सो गई थी? हाँ लगी। जब तुम सो गई थी तो कथा मुझे मालूम नहीं। कौन है जिसने अमर तत्व सुना है? आयुर्वती हो तो आप उसे मृत्युदंड कैसे दे सकते हैं? मंत्र का प्रभाव तो जी नहीं तो अजर अमर हो ही गया। ये तो हो ही गया था। हो गया। व्यासदेव तुम ज्ञान के भंडार जगत के लोग ज्ञान ना ज्ञान दूर करेंगे। तुम ही अपने हुए प्राणियों का उद्धार करोगे। नाथ के वर प्रसाद से मैं कृतार्थ। पर छल से अमर तत्व सुना इसलिए उसे 16 वर्ष देना पड़ा। व्यास पत्नी के पेट में 16 वर्ष? हाँ, प्रभु की माया से डरकर वो संसार में प्रकटता था। एक दिन ऋषि नारद से कह रहे थे व्यास देव देवी गर्भ में बलक है। नारायण वैसे सत्ता बोलता भी है संसार में माता से दूर क्यों नहीं करता? उस यही आवाज सुनाई देती है तार में आऊंगा वो माया के जाल में फंस जाऊंगा। यदि द्वारिकाधीश आकर विश्वास दिला दें कि तुम पर मेरी माया का कोई असर नहीं होगा तो मैं जले सकता हूँ। द्वारिका जाता हूँ, श्री कृष्ण भगवान को लेकर ही आता हूँ। मुनिराज आप इतना कष्ट उठाएंगे? कष्ट कैसा देवी, संसारियों के काम आना और उन कष्ट से करना यही तो सच्चा धर्म है। कोई तो हीरे और हार पहनन होता है, मैं सेवा का हार हट के ही हृदय में संत कल्भव का जीवन कच्चा तार टूटे कुछ भी पहन ले सेवा कल्भा तेरा हो जाए बेड़ा पार। भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण जग की सेवा महा सेवा महाधर्म है दिल को दुखा पाप कर्म पर हित में तू प्राण गवा दे ते दो का ये सार। पर हित में तू प्राण गवा दे वे दो का ये सार। पहन ले सेवा का तुहार तेरा हो जाए बेड़ा पार। भजमन नारायण नारायण
भजमन नारायण 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 नारायण। ये लीला क्या घर की मालूम होती है। हाँ तो तुम दोनों के बीच क्या क्या झगड़ा है? झगड़ा काहे का, आप ही बताइए दोनों का अधिक मीठा है, मिश्री या नम? नहीं माया का तुम पर कुछ भी प्रभाव नहीं। देखो दिन कल बेला आया रे, आज अंगना में मंगल छाया रे। शुभ दिन आया सभी के मन पाया, किरणों ने रात बचाया रे। देखो दिन कल बेला आया रे, आज अंगना में मंगल छाया रे। देखो दिन कल बेला आया रे, आज अंगना में मंगल छाया रे। ताकि मंत्रों सहित उसकी जाति आदि के कर्म संपन्न कर दिए जाए। मैं आप सबको आत्मस्वरूप समझकर प्रणाम करता हूँ। मुझे जाति कर्म आदि की आवश्यकता नहीं। आप लोग अब मुझे वन प्रस्थान की आज्ञा दीजिए। वन प्रस्थान की आज्ञा? बेटा बेटा तुम्हारा देव दुर्लभ दर्शन 16 साल की प्रतीक्षा कर पाया। बेटा मुझे अपनी सब अभिलाषाएं पूरी कर लेने दो। बेटा आओ बैठो। आप महाज्ञानी होकर ऐसी माया मोह की बातें कर रहे हैं, कौन किसका पिता कौन किसका पुत्र? मेरे लाल मेरी आशाओं पर पानी मत फेरो, हमें छोड़कर कहाँ जा रहा है? बेटा बेटा जिसकी थी आनंद बधाई उसने तोड़ा नाता, चला छोड़कर सगे स्नेही मीर बहारी माता। अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि। चलो चलो चले, लज्जा की कोई बात नहीं। इनको स्त्री पुरुष का भेद तक मालूम नहीं, ये तो सुंदर पक्षी के समान है। बेटा बेटा देखो व्यासदेव जी आ रहे हैं। बेटा बेटा देवांगनाओ, तुमने मेरे पुत्र सुखदेव को देखा? हाँ महाराज तुमने उनको देखा, परंतु उन्होंने हमको नहीं देखा। उसने नहीं देखा तो क्या वो तुम्हारे समीप से नहीं गुजरा था? नहीं महाराज ये बात नहीं, उन्होंने हमें देखकर भी नहीं देखा। अर्थात वो महाज्ञानी है, हमारे मुख उन्हें फूलों की तरह नजर आ रहे थे। आश्चर्य महान आश्चर्य। इसमें आश्चर्य कैसा, आप तो ज्ञानी हैं, आत्मा और परमात्मा के संबंध को अच्छी तरह समझते हैं, फिर भी आप परंतु आत्मा का अनुभव कर चुके हैं। मान सरोवर के हंस की तरह निर्मल और पवित्र है, यही कारण है कि उनको देखकर हमें मातृत्व का उत्पन्न हुआ, इसलिए उनसे संकोच की कोई आवश्यकता न रही। पर आप तो समझ गया मुझ में और सुखदेव में बड़ा अंतर है। अब जल्द बताओ कि वो किस पर गया है। किसी और गए। बेटा
अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। बेटा तू पुत्र मेरे तू बेटा। मालूम पड़ता है राजी को मोह पुत्र स्नेह ने उनके आत्मज्ञान को ढक लिया है। अब ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे एक ही आत्मा को जो उनमें है, मुझ में और संपूर्ण चराचर में समान रूप से व्याप्त है, हर वृक्ष के पत्ते पत्ते में प्रकट कर देना चाहिए। बेटा सुख, बेटा सुख, बेटा आहारी, आहारी। अरे ये तो सभी वृक्ष सुख के ही स्वर में बोलते हैं। मालूम होता है मेरा लाल विश्व में तन्मय हो गया है, उसका विस्तृत सब में व्याप्त हो गया है। खोटी ममता छोड़ दीजिए, आप वापस जाइए। है कौन माता पिता किसका, सब झूठे जग के नाते हैं, निज कर्मों के वशीभूत हो जीव अवनी पर आते हैं। घूम रहा है चक्र जगत का, हम तुम सब हैं धागे, वही छूटता इन धागों से मोह लोभ जो त्यागे। मोह का पर्दा काला है, जगत मकड़ी का जाला है, ममता का नाता तोड़ न कुछ भी रहने वाला है। मोह का पर्दा काला है, जगत मकड़ी का जाला है, ममता का नाता तोड़ न कुछ भी रहने वाला है, जगत मकड़ी का जाला है। पिता है कौन है माता, कौन पिता है कौन है माता, एक भ्रम की डोर है। जीवन के सब झूठे नाते माटी चारों ओर है, प्रभु से नाता जोड़ वही सबका रखवाला है। ममता का नाता तोड़ न कुछ भी रहने वाला है, जगत मकड़ी का जाला है। मोह का पर्दा काला है, जगत मकड़ी का जाला है, ममता का नाता तोड़ न कुछ भी रहने वाला है, जगत मकड़ी का जाला है। दिया जला करता है जब तक उसमें तेल है, जब तक उसमें तेल है। छोटा हो या बड़ा जलाती सबको ज्वाला है, ममता का नाता तोड़ न कुछ भी है, जगत मकड़ी का है। मोहता पर्दा काला है, जगत मकड़ी का जाला है, ममता का नाता तोड़ न कुछ भी रहने वाला है, जगत मकड़ी का जाला है, जगत मकड़ी का जाला है, जगत मकड़ी का जाला है। ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।
तेरे पिताजी सीधा लेकर आएंगे तब मैं खाना बना के रखूंगी, तू जा पाठशाला। अब तो पाठशाला भी बंद हो गई होगी, ला खाना। कहाँ से लाऊं? तेरा बाप मुआ निखट्टू तो आंख उल्टे ही बाहर गए, जो अभी तक नहीं आया। आ गया, अपनी चक्की की मीठी वाणी सुनकर आ गया। व्यास देव क्या रोज जाते हो फूटे में? मैं वो लाया हूँ तो कभी कोई लाया ही ना होगा। क्या जड़ाऊ देवर? लड्डू पेड़े बर्फी? फिर क्या? आज बड़े भाग से श्री कृष्ण भगवान पधारे थे, उनसे वरदान लाया हूँ। वरदान? वरदान? कैसा वरदान? तीन मनोकामनाओं की सिद्धि। तीन वरदान से मैं तुझे तीनों लोक में विमान से उड़ाकर ब्रह्मांड का दर्शन करा सकता हूँ। परंतु तू जैसी हल्की फुल्की और फूल जैसी नारी को विमान पर बिठाऊं तो विमान आकाश की अगर पृथ्वी के नीचे उड़ने लगे। अपने को नहीं देखते? बड़े सुंदर हो, कामदेव देखे तो अभी शर्मा गए। अब झगड़े टंटे की बातें छोड़ो और तिलोत्तमा सी सुंदर बनकर मेरे साथ देवलोक में देवताओं के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करो। ये कोई मेरे बस की बात है? जब मैं दर्पण में मुंह देखती हूँ तो खुद अपने आप पर मोहित हो जाती हूँ। अच्छा बाबा, अब एक वरदान तुझ पर बलिदान करता हूँ और तुझे तिलोत्तमा जैसी अप्सरा बनाकर स्वर्ग लोक की यात्रा कराता हूँ। जल्दी मुझे तिलोत्तमा बनाओ। प्रिय सावधान हो जा, अभी तेरी काया पलट हो जाती है। हे मेरे श्री कृष्ण भगवान, मेरी पहली इच्छा है कि पहले वरदान में मेरी मनोकामना से मेरी स्त्री निराशा अप्सरा तिलोत्तमा बन जाए। चलो भैया देव दर्शन के लिए चलो। चलती हूँ, पहले मुझे थोड़ा पानी तो पिला दो। मैं और तुझे पानी पिलाऊं? अरे मैंने तो कभी अपने पितरों को भी पानी नहीं पिलाया। तो क्या स्वर्ग में पानी भी नहीं मिलेगा? वहाँ अमृत मिलता है अमृत, लेकिन हम संसारियों की प्यास पानी से ही बुझती है। धन तेरे की प्यास की बात सुनकर मुझे भी प्यास लग गई। लो, किस्मत की तरह घड़ा भी खाली का खाली, एक बूंद भी पानी नहीं। प्रिय जा, अपनी ठुमक ठुमक चाल से पूरे पनघट को सर पर उठा ला। अभी लाती हूँ। समझ गया, तूने घबरा कर मेरी तपस्या पूर्ण करने के लिए अप्सरा भेजी है। इंद्रदेव, मैं पक्का ब्रह्मचारी हूँ, अप्सरा को देखकर मोहित होने वाला नहीं। अरे कोई घृणा उठाने वाला नहीं, परोपकार ही महाधर्म है। ये पुण्य मुझे ही कमाना चाहिए। कौन हो तुम? विधाता की चित्रकारी, किन्नरी, अप्सरा या गांधर्वी? तिलोत्तमा। तिलोत्तमा हो? लेकिन तुम मेनका की तरह आकाश में वापस न चली जाओ तो मैं तुम्हारा घड़ा उठाकर अपना घर दिखाकर तुम्हारे घर पहुंचा दूं। घर दिखा कर? हे राम, डरो नहीं, डरो नहीं। चोट तो नहीं लगी? यहाँ भी तो नहीं है पिताजी? अरे यहाँ नहीं, घर में नहीं, पड़ोस में नहीं, तो क्या उसे जमीन निकल गई या हवा खा गई? आपने मेरी माँ को तिलोत्तमा बना दिया था तो जरूर उसे राजा इंद्र ने बुला लिया होगा। अरे हाँ, तू ठीक कहता है बेटा। तो क्या होगा पिताजी, मेरी माँ नहीं मिलेगी? तू ना रो बेटा, मैं अभी तेरी माँ को गधी बनाता हूँ ताकि उसे बहका कर ले जाने वाले को दुलत्तियों का मजा आ जाए। जाने कैसे दूं? मनोकामना से मेरी स्त्री कर्कशा जहाँ भी हो वहाँ गदी बन जाए।
अरे बाप रे। बाप रे बाप, सुंदर स्त्री से गली का, वाह ये तेरी कैसी माया है, क्षमा कर प्रभु मुझे अदब को क्षमा कर। घबरा नहीं बेटा, वो अभी आएगी। भागिए 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 भागिए। वेंकटेश जी क्या है, यहाँ एक राक्षसी आई है। राक्षसी? हाँ देखिए देखिए वो आ रही है। देख बेटा, लचकाती बल खाती शर्माती हुई तेरी माता जी आ रही है। हाँ हाँ यही है, अभी अभी सुंदर अप्सरा थी और देखते देखते गधी बन गई। अच्छा तो तुम ही वो महापुरुष हो जो मेरी पत्नी के पीछे पड़े थे। हाँ। मैं अभी तुझे मजा सिखाता हूँ, तीसरे वरदान में तुझे आदमी से बालू बनाता हूँ। क्षमा कर दू वेंकटेश्वर जी, क्षमा कर दू, अब मैं संसार की हर स्त्री को अपनी माता समझूंगा। माता समझोगे? हाँ। तो पढ़ो इसके पाँव। पाँव पढ़ो। हाँ पढ़ो। अच्छा क्षमा कर दो माता जी, पिताजी पिताजी से मिला दीजिए, तुम मुझे रोटी बनाकर कौन खिलाएगा। रो नहीं बेटा, मैं एक बार किलोत माँ बनाया फिर माँ बनना पड़ा, तो मेरी असली माँ बना दीजिए। तू ठीक कहता है बेटा, ये कर्कशा के रूप में ही सुख और शांति से रह सकती है। हे मेरे कृष्ण भगवान, मेरे तीसरे वरदान में मेरी स्त्री कर्कशा अपने असली रूप में हो जाए प्रभु। माँ बेटा मेरे लाल स्वामीनाथ, मुझे क्षमा कर दो। अच्छा क्यों? अब बोल, मैं सुंदर हूँ, हिरण जैसी आंखें, काले घटा। क्षमा कर दो माता, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। नारद जी का कहना सच हुआ, तीनों वरदान वृथा गए, मेरे पास तो कुछ भी ना रहा। भजमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। ये जीवन कच्चा तार टूटते लगे न कुछ भी बार, पहन ले सेवा का तुहार, तेरा हो जाए बेड़ा पार। भजमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। जग की सेवा महाधर्म है, जग की सेवा महाधर्म है, दिल को दुखाना पाप कर्म है, पर हित में तू प्राण गवा दे, दे दो ये सार। हित में तू प्राण गवा दे, वेदों का ये सार, पहन ले सेवा का तुहार, तेरा हो जाए बेड़ा पार। भजमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। सबसे बढ़कर है ये धन, रहता सदा अमर है गुरु ज्ञान, सबसे बढ़कर है ये धन, रहता सदा अमर है। सच्चा गुरु ढूंढ ले तू ये वीणा की झंकार, सच्चा गुरु ढूंढ ले तू ये वीणा की झंकार, पहन ले सेवा का तुहार, तेरा हो जाए बेड़ा पार। भजमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। प्रणाम महामुनि, क्या गुरु ज्ञान में इतनी शक्ति है कि वो मनुष्य को भगवान तक पहुंचा दे? हाँ सुखदेव, संसार में माता पिता संतान को धन संपत्ति या और कोई सुख न दें, परंतु यदि सच्चा गुरु दे दें
तो गुरु के दिए हुए धन को न डाकू छीन सकता है न चोर चुरा सकता है। तो ऐसा योगी गुरु कहाँ मिल सकता है मुनिराज? ये तुम्हें व्यास देव बताएंगे। चलो हम भी तुम्हारे साथ चलकर उनके दर्शन से कृतार्थ होंगे। नारायण 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 व्यासदेव जी, शुभदेव को मैं गुरु ज्ञान से बात ले आया हूँ, परंतु इनके गुरु को देवादि देव भगवान शंकर ही हो सकते हैं। भगवान शंकर? अब तुम्हें भगवान शंकर से घबराने की कोई जरूरत नहीं, वो तो आनंद स्वरूप है। अच्छा, तो मैं इन्हें लेकर भगवान शंकर के पास जाता हूँ। नारायण नारायण नारायण। बेटा शुक्र, ठंडी लग जाएगी, ये पहनो। शुक ये तो व्यास मुनि है, सुखदेव को लिए आ रहे। सुखमीशान निर्वाण रूपम विभु व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाशवासम भजे। कैसे आना हुआ? भगवान, मेरी इच्छा है कि आप सुखदेव उपनयन काल के गुरु बनकर उपदेश देने की कृपा करें। तथास्तु। भगवान शंकर ने गायत्री मंत्र देव गुरु बृहस्पति से विद्या दान। जैसी महाराज की आज्ञा। दिनों तक तो यहाँ सन्नाटा रहा, आप सातवें दिन ये अत्याचार कैसा हो रहा है? जाने दो, मुझे न रखो, छोड़ दो, छोड़ दो। अरे भाई, तुम लोग दया का त्याग करके दयाहीन होकर इसे क्यों मार रहे हैं? इसे क्यों मार रहे हैं? इसका जवाब आप जनकराज देंगे। जनकराज? महाराज, मुझे ना छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। क्यों भाई, तुम लोग इसे क्यों बांध रहे हो? का जवाब आपको जनकराज देंगे। जनकराज? ये विदेह नगरी है महात्मा जी। विदेह नगरी? तुमने बराबर ठीक से देखा है। जी हाँ महाराज, आज पूरे 7 दिन हुए, मगर सुखदेव जी की मुख मुद्रा में जरा भी फर्क न पड़ा, वही आनंदमय चेहरा है। अच्छा, तो अब उन्हें दूसरे द्वार पर ले आओ और वही रहे को कह दो। जो आ गया महाराज। प्रभु की माया है। सुखदेव जी पधारिए। अब आप यहीं रुकें, ऐसा ही आदेश है। ज्ञान मैं चंचल हूँ, मेरी प्रवृत्तियों का दमन न करो, मुझे जाने दो, न रोको। नहीं, जाने दो। तुम नहीं जा सकते। जाने दो। नहीं, मान जाओ, मेरी प्रवृत्तियों का दमन न करो, मुझे जाने दो। नहीं, तुम नहीं जा सकते। क्यों भाई, इसे क्यों रोकते हो? इतना भी ज्ञान नहीं है, देखकर भी नहीं समझ सकते। जनकराज से पूछिएगा, वही आपकी शंका दूर करेंगे। जनकराज महाराज, आज दूसरा सप्ताह भी पूरा हो रहा है, फिर भी स्वभाव में कोई फर्क नजर नहीं आता। जरा से भी उदासी चेहरे पर नजर नहीं आती? नहीं महाराज, कोई भी चिंता मुख पर नजर नहीं आती, पहले जैसा ही आनंदमय चेहरा। अच्छा, तो अब उन्हें रानी वास में ले जाओ और उन्हें कहो कि सुखदेव जी की जितनी सेवा हो सके करें, उन्हें अधिक से अधिक सुख पहुंचाया जाए। जैसी आ गया। Thank you.
दिन है। अच्छा, सुखदेव को यहां ले आओ, उनके साथ और कोई ना आए। सुखदेव जी, आपको महाराज जनकराज जी ने बुलाया है और कहा है कि आपके साथ कोई नहीं आए और जो भी हूं उन्हें द्वार के बाहर छोड़कर आप हमारे पास आ जाएं। समझा भाई, न मेरे साथ अहंकार है, न मान अपमान है, न राग द्वेष है, न अपना ही पन है, कोई भी नहीं है। तो चलिए। प्रणाम महाराज।
इधर भी तो देख। एक हाथ स्त्री पर, दूसरा हाथ अग्निकुंड की ज्वाला पर, फिर भी जलता नहीं। महान अचरज की बात है। मणिराज, आपको सब छोड़कर आने को कहा था, फिर भी शंका को साथ में ले ही आए। महाराज, मेरी शंका निवारण कीजिए। द्वार से यहां तक 21 दिन में मैंने जो कुछ देखा वो नहीं समझ सका। आप ही समझाइए, मेरा संशय मिटाइए। पहले सप्ताह में पहले द्वार पर जो दृश्य तुमने देखा और जिस स्त्री को मार रहे थे वो स्त्री तृष्णा थी। ठीक है, तृष्णा को मारना ही चाहिए। दो पुरुष जो मार रहे थे वो थे संतोष और धैर्य। जो संतोष और धैर्य से तृष्णा को मारता है वही मोक्ष के प्रथम द्वार में प्रवेश कर सकता है। सच है। और दूसरी तरफ जो थी वो थी माया, जो सबको दुख देती है। वो यहाँ बंधन में रहती है और जो उसे बांध रहे थे वो विवेक और वैराग्य थे। और दूसरे द्वार पर वो था मन, उसको तारने वाला था ज्ञान। समझ गए? जिसने तृष्णा माया व मन को मारा है उसको स्त्री व अग्नि समान है, उसको किसी तरह का विकार नहीं होता। धन्य हो महाराज, मैं आपको गुरु करने की आशा से दीक्षा लेने आया हूँ, मुझे ज्ञानोपदेश दीजिए। मैं आपको उपदेश करने का अधिकारी नहीं। आपका शरीर ब्राह्मण कुल का है और मैं क्षत्रिय हूँ। गुरु बनने का अधिकार ब्राह्मण को ही होता है। आप क्षत्रिय, हम ब्राह्मण हैं, तो आप दान तो दे ही सकते हैं, हमें ज्ञान का दान दीजिए। महर्षि व्यास जी ने जो ज्ञानोपदेश आपको किया है वही ब्रह्म तत्व है, उसके अतिरिक्त और कोई ऐसी बात नहीं जो कही जा सके। ठीक है, आत्मा सच्चिदानंदमय हो गया पर हमें उसकी आनंदमयता का अनुभव नहीं हो रहा है। अभ्यास की कमी के कारण अनुभव नहीं हो रहा है। अभ्यास करो। नारायण नारायण नारायण। नारद जी, आपका शिष्य सुखदेव तपस्या कर रहा है। इंद्रदेव, सुखदेव आपके इंद्रासन को लेने के लिए तपस्या नहीं कर रहा है। नारद जी, आप इन बातों को नहीं समझ। हाँ, समझ का ठेका तो आपने ही ले रखा है, परंतु ऐसा न हो कि इस बार भी आपको मुक्त। ऐसा नहीं होगा, मैं रंभा को वहाँ भेज रहा हूँ। फिर पति की जय हो। देवराज, आज मुझे कहाँ जाना है? हाँ रंभा, सुखदेव तपस्या कर रहा है, तुम जाकर उसकी तपस्या भंग कराओ। कौन सुखदेव? व्यास मुनि के बेटे? हाँ हाँ वही। इंद्रदेव ही नहीं, सुखदेव के पिता व्यास जी भी यही चाहते हैं कि वो घर संसारी बने। क्यों देवराज, ठीक है ना? नारायण नारायण नारायण।
भगवान की उस मनोहर मूर्ति के सामने ये रूप तो कुछ भी नहीं। मुझसे प्रीत करके जिसने स्वर्ग के सुख को नहीं अपनाया वो जीवन वर्था है। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें भवसागर से पार उतार दूंगी। भवसागर से पार उतारने वाले तो श्री हरि हैं, इसलिए प्रेम नारी से नहीं नारायण से करना चाहिए। माता रंभा, तुम भी उन्हीं से प्रेम करो। ये आप क्या है? शुकदेव, मेरा अपराध क्षमा करो। भगवान तुम्हारे अपराध क्षमा करेंगे। यहाँ भयंकर व्याग आया हुआ है, भाग जाओ वरना जान गवा बैठोगे। भागने से ही जान बच जाएगी, ये आपने कैसे जाना? फिक्र करो, प्रजा की रक्षा राजा का धर्म है, इसलिए मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। जल्दी करो, गुरुदेव राह देखते होंगे। हाँ, कन्मूल फल को लेकर जल्दी चलो। तपस्वियों प्रणाम। यहाँ एक नरभक्षी भयंकर व्याघ्र आया हुआ है, ऋषि मुनियों के कहने से मैं उस समान हस्तिनापुर से यहाँ आया हूँ। ओह, तो आप अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित हैं? हाँ, आप लोग अपने स्थान पर चले जाइए। हमें व्याघ्र से कोई भय नहीं, हमारे गुरुदेव ने हमें व्याघ्र भगाने का मंत्र सिखाया है। वराह पीडं नटवपुः कर्णयोः कर्णिकारं विव्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्धान वेणु रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः।
जान पड़ता है राजा ने व्याघ्र को मार दिया। और चले इस नरभक्षी व्याघ्र को देखें। चलो चले। तुम कौन हो? मैं इस तपोवन में रहने वाला बड़ा अभिमानी, सबको भयभीत करने वाला उग्र तपस्वी था। अपनी तपस्या के अभिमान से मैंने महर्षि दुर्वासा का भी सत्कार नहीं किया। इस पर उन्होंने शराब दिया कि तू सबको भयभीत करने वाला व्याघ्र हो जा। तब मैंने प्रार्थना विनय से उन्हें प्रसन्न किया। तब उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे कान में श्रीमद् भागवत के श्लोक पढ़ेंगे तभी तुम महाराज परीक्षित के बाण से मरकर इस योनि को छोड़कर दिव्य स्वरूप धारण कर स्वर्ग को चले जाओ। ओ, तो अभिमान के कारण ऋषि दुर्वासा के श्राप से हिंसक योनि भोगनी पड़ी। हाँ राजन, आपकी तो श्रीमद् भागवत के श्लोक बोलने वाले तपस्वियों की जय। देखी श्रीमद् भागवत के मंत्रों की महिमा, व्याघ्र दिव्य पुरुष हो गए। धन्य है तपस्वियों, प्रणाम। चलो जल्दी चलो, बहुत देरी हो गई। हेलो भाई, चलो। ओ भाइयों, अभी अभी जो श्लोक तुम गा रहे थे वो बहुत ही आकर्षित है। ये परम निधि तुमने कहाँ से पाई, जल्दी बताओ। मैं भी इन मंत्रों का पान करना चाहता हूँ। हमने ये मंत्र गुरु वेद व्यास जी से प्राप्त किए। आप पधारिए, गुरुदेव आपको भी सुनाएंगे। चलिए चलिए। नारद जी, किसी तरह मेरे लाल को एक बार यहाँ ले आइए। देवी धीरज करो, सुखदेव जरूर आएगा। वैसे तो आपसे कोई मोह ममता नहीं, परंतु इन्होंने भागवत रूपी अमृत रस जो तैयार किया है उसकी सुगंध कानों के पात्र द्वारा उसके हृदय में प्रवेश कर गई है, इसलिए अब वो रुक नहीं सकता। ये सब आपकी ही कृपा है। नारायण 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 नारायण। मुनिराज मुनिराज। ओल व्यंकटेश्वर, अरे भाई तुझे तो कह दिया तेरे भाग में कुछ नहीं है, फिर क्यों पीछे पड़ा है? प्रभु, आप संसार को सुख और सौभाग्य बांटते फिरते हैं, फिर मैंने क्या अपराध किया है? ये सब अपने अपने कर्मों का फल है। तो क्या महाराज, मैंने जो आपके दर्शन किए हैं इसका फल भी मुझे दुखी मिलेगा? तू महामूर्ख है, साधु संतों के दर्शन से कहीं दुखी प्राप्ति हो सकती है? तो फिर महाराज, मैंने भी तो आप जैसे महामुनि के दर्शन किए हैं, अब भी अगर मेरा दरिद्र दूर ना हुआ तो मैं जन्म जन्मांतर तक भूत की तरह आपके पीछे पड़ा रहूंगा, और जहाँ आप जाएंगे वहाँ यही कहूंगा कि इनके दर्शन में घाटा ही घाटा है। नारायण नारायण, आखिर तू चाहता क्या है? अंधा क्या चाहे, दो आंखें मुझे सिर्फ चार वरदान दे दीजिए। एक नहीं दो नहीं, एकदम चार। हाँ महाराज, आपका होगा बड़ा उपकार। अच्छा मैं तुझे वरदान तो देता हूँ, परंतु ये याद रखना, पराये के दुगने सुख को देखकर ईर्ष्या न करना। पड़ोसी की संपत्ति को अपनी ही संपत्ति समझूंगा तो फिर वरदान का फल भी उल्टा ही होगा। क्षमा कीजिए मुनिराज, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तो फिर सुन, तेरी इच्छानुसार मैं तुझे चार वरदान देता हूँ, तथास्तु। मेरे वरदान से तेरी चार मनोकामनाएं पूरी होगी, परंतु तूने यदि वरदान का फल घर के बाहर किसी को दिखाया तो देखने वालों की संपत्ति दुगनी हो जाएगी। नहीं नहीं मुनिराज, मैं वरदान से मिली हर चीज को छिपा कर रखूंगा, भगवान भी देखना चाहेंगे तो नहीं दिखाऊंगा। प्रभु नारायण नारायण। धन्य हो प्रभु, धन्य हो धन्य हो। माँ तुम तो रोज रोज खिचड़ी ही पकाओ। अरे मुझसे क्या कहता है, अपने मुँह निखट्टू बात से कह जो हलवा पूरी का सामान ला दे। मेरी किस्मत के बेढंगे नमूने, खुश हो जाओ। हलवा पूरी तो क्या, आज मैं तुम्हें लड्डू खिलाऊंगा। धूल पत्थर खिलाओगे, बाप तो बन गए लेकिन बाप का सुख संतान को एक दिन भी नहीं दिया। पिताजी मुझे मोती चूर के लड्डू ला गए। अच्छा तो ले, हे महामुनि नारद जी के पहले वरदान, आ जा तू मोती चूर के लड्डू बनकर आ जा। पिताजी लोग मुझे चिढ़ाते थे, उनके सामने ही मैं लड्डू खाऊंगा। ले 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 ले। मेरे प्राणनाथ स्वामी, मेरे देवता। कौन, मैं या ये लड्डू?
आप तो त्रिवेणी से पार लगाने वाले मेरे जन्म जन्म के खिवैया हैं। मुझे भी एक चंदन हार मंगवा दो ना। अरे ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी तेरी ये आशा पूरी करता हूँ। आजा आजा महामुनि नारद जी के दूसरे वरदान, तू चंदन हार बनकर मेरी स्त्री करकशा के गले में आ जा। मैं भी आती हूँ। अरे ओ गंगा, घर तो सही, देख मेरा चंदन हार। चंदन हार घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। नहीं मानती, ये देख ये रहा चंदन हार, है ना? तू बड़ी किस्मत वाली है मेरे तो। तू चंदन हार, हाय राम, ये कैसा चमत्कार। अरे मेरे भी तो हार, मेरे भी तो हार, मेरे भी दो हाथ, मेरे भी दो हाथ, मेरे भी दो हाथ, मेरे भी दो हाथ, मेरे भी दो हाथ। मेरे दिल में आग लग रही है, मुझे भी गुस्सा आ रहा है। क्यों, क्या हुआ? हुआ क्या, कोई ऐसा वरदान भी लाता है? मैंने एक हार पड़ोसनों को दिखाया तो उनके गले में दो दो हार हो गए। और पिताजी मेरे हाथ में चार लड्डू थे, मैंने तो उनके हाथ में आठ हाथ लड्डू हो गए, और सब मुझे दिखा दिखा कर चिढ़ाने लगे। सुन लिया, ये है तुम्हारे लाए हुए वरदान का चमत्कार। मैं अभी तेरा कष्ट दूर करता हूँ, लेकिन पहले लड्डू तो खा लेने दे, भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता। ना मैं खुद खाऊंगी और ना तुम्हें खाने दूंगी। तो क्या जीते जी पति का श्राद्ध करोगी? पति का नहीं, पड़ोसियों का। समझ गया, तुम अपने से ज्यादा सुखी पड़ोसियों को नहीं देख सकती। एक हार तुमने दिखाया, देखते ही पड़ोसियों के दो बन गए, यही ना? हाँ। अब एक काम करो, तुम अपनी एक आंख फोड़ लो, ताकि देखते ही पड़ोसियों की दोनों आंखें फूट जाएंगी। हाँ, हाँ, हाँ। ये ठीक है, ना वो हमारी एक चीज देखेंगे और ना उनके पास दो दो चीजें बनेंगी। अब जल्दी से मेरी एक आंख फोड़ दो। बेटा अब तू अपनी आंखें बंद कर ले, और मैं भी अपनी आंखें बंद करता हूँ, नहीं तो हम दोनों के दोनों सूरदास हो जाएंगे। हे नारद जी के तीसरे वरदान, आ जा तू अब शक्ति से मेरी स्त्री की एक आंख फोड़ दे। कहानी होगी क्या? हाँ, अब अच्छा हुआ, अभी सबको अंधा बना के आती हूँ। बेटा तू अपनी माँ के सामने ना जाना, जा बच्चू। अरे करके क्या, तू पहले मेरी आंख तो देख। पसंद भी होगी। नर्मदा, ओ नर्मदा, एक हार के दो हो गए थे ना, जल्दी आ जल्दी। क्या है बहन करकशा, मेरी आंख देख। अरे मैं तो अंधी हो गई, कहाँ गई तू? क्या हुआ करकशा? देखो मेरी आंख। अरे मैं तो अंधा हो गया। जमना जमना देख, अरे मैं तो अंधी हो गई। शास्त्री जी, राम राम, राम राम, राम राम। मेरी आंख देखिए। अरे मैं तो अंधा, मैं अंधा हुआ, अरे मैं अंधा हुआ, अरे मैं अंधा हुआ। और है वो अंधा? अंधा ही तो हूँ। सारा मोहल्ला अंधा हो गया? हाँ। अरे बाप रे, कौन ले जा रहा है? भगवान खूब अंधी है। नारायण 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 नारायण। शास्त्रों का वचन है, पात्र देख कर दान करना चाहिए। अरे कहाँ गई हो? अरे दुष्ट, ये तूने क्या किया, पूरे गांव को अंधा बना दिया। महाराज इसमें मेरा क्या दोष है, ये तो सब आपके वरदान का ही चमत्कार है। पापी, तुझे अपने पाप के लिए नरक के कष्ट भोगने पड़ेंगे। चिंता नहीं भगवान, मैं तो आपके पीछे पीछे रहूंगा। मुझे नरक में भेज रहा है, यही परोपकार का फल है। अज्ञानी मनुष्य, तूने स्त्री को खुश करने के लिए निर्दोषों को अंधा बनाया है, इसलिए अगले जन्म में तू तेली का बैल बनेगा, और जीवन भर आंखों पर पट्टी बांधकर तुझे पेट भरना पड़ेगा। क्षमा कीजिए मुनिराज, क्षमा कीजिए, मुझ नीच का उद्धार कीजिए प्रभु। तेरे उद्धार का एक ही मार्ग है,
तू अपने चौथे वरदान में अपनी स्त्री की आंख वापस मांग ले ताकि सबको दो आंखें मिल जाए। ऐसा हो सकता है भगवान? और उपकार के लिए करना ही होगा। हरी 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 उसो सकल पदार्थ है जग माही कर्महीन नर पावत नाही। उसो पूर्व जन्म के महापुण्य ही से ऐसी करकशा देवी मिली है जिससे हर बना बनाया काम बिगड़ जाता है। पिताजी पिताजी सारा मोहल्ला अंधा बन गया है, हमें खाने के लिए सामान अब कौन देगा? घबराओ नहीं बेटा, मैं अभी उसका उपाय करता हूँ। आजा आजा मेरे चौथे वरदान, तू अपने चमत्कार से मेरी स्त्री को जहाँ भी हो उसकी कानी आँख को सियानी आँख बना दे, उसमें रोशनी पैदा कर दे। अरे गंगा क्या तेरी आंख भी खुल गई? हाँ मेरी आंखें खुल गई। ज्ञान का ये अर्थ नहीं कि तुम मोही बनो। मैं अपने लाल के लिए खाने को ले आऊं। भगवान मुझे तो उन्हीं श्लोकों की भूख है जिन्होंने हट पूर्वक मेरे मन को अपनी ओर आकर्षित कर दिया, वही अद्भुत भागवत मुझे पिला दीजिए। धैर्य करो, शीघ्रता न करो, न मानो, मैं अभी श्रीमद् भागवत ले आता हूँ। बैठो बेटा जलपान करो, अब तुम मेरी आंखों से दूर न होना, अपनी माता को छोड़ के न जाना। पुराण मैंने नारद मुनि के कहने पर ही बनाया है, 18,000 श्लोकों की रचना इसमें की है। तब तो जल्दी सुनाइए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। तत्पश्चात सुखदेव जी श्रीमद् भागवत के श्लोक वनों में गाते फिरते थे। उस समय राजा परीक्षित की आयु 60 वर्ष की हो चुकी थी। एक समय वो शिकार की खोज में भटकते भटकते शमीक मुनि के आश्रम तक पहुंचे, जहां मुनिवर मौन व्रत धारण करके समाधिस्थ थे। मुनिराज बहुत प्यास लगी है, पानी दीजिए। मुनिराज पानी दीजिए, प्यास से गला सूखा जा रहा है, पानी दीजिए मुनिराज। अवसर पाकर कलिकाल ने राजा के सोने के मुकुट में प्रवेश कर उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। पानी दो, सुनते नहीं। मित्र सुनगी, अब तुम मेरे आगे अपने तपोबल का घमंड न दिखाना। मित्र कृष्ण पर क्या हुआ, कुछ कहो भी तो। समाधि में बैठे हुए तुम्हारे पिता के कंधे पर हुआ सांप डालकर वो चला गया। किस नराधम पापी ने ये कुकृत्य किया? राजा परीक्षित ने। उल्टे मार्ग पर चलने वालों को शिक्षा देने वाले भगवान कृष्ण स्वधाम चले गए, तभी से मर्यादा भंग हो रही है। मैं ऐसे राजा को जरूर दंड दूंगा। अब तुम मेरा तपोबल भी देखो। राजा परीक्षित ने मर्यादा भंग करके मेरे पिता का अपराध किया। मैं उस अभिमानी को श्राप देता हूँ कि वो 7वें दिन नागराज तक्षक के काटने पर उसकी विष अग्नि में जलकर भस्म हो जाए। विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। राजा परीक्षित ने जब शमीक मुनि के भेजे हुए दौमुख से श्रृंगी ऋषि के श्राप की बात सुनी तो उसके लिए पश्चाताप किया और श्राप के निवारण का उपाय आरंभ किया। परीक्षित ने अपनी मृत्यु की अंतिम घड़ियों से बड़ा लाभ उठाया। जगत से ममता तोड़कर राजकाज छोड़कर वो गंगा किनारे जा बैठे और 7 दिन के अनशन का निश्चय करके
महात्माओं का सत्संग करने लगे। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। आप धर्मात्मा हैं, दैवी संकेत से आपसे यह अपराध हो गया है। ये भी लोक कल्याण के हेतु हुआ। अब आप लोग मेरी मुक्ति का साधन बताइए। इसके लिए महान यज्ञ होना चाहिए, तप करना चाहिए, सदाव्रत का नित्य दान करना चाहिए। आप सब लोग जो कह रहे हैं वो ठीक है, किंतु 7 दिन में मुक्ति हो जाए ऐसा उपाय बताइए। राजन, इसके लिए आप भवतारिणी पापनाशिनी माँ गंगे से प्रार्थना कीजिए। सुर सदिते कल्याणमये हे गंगे जग की माता, तेरे पुण्य पगों में जननी त्रिभुवन शीश झुकाता। भागीरथ ने जिधर भक्ति से अपना शंख बजाया, उसी पंथ को पतित पावनी माँ तुमने अपनाया। हरिद्वार काशी प्रयाग को तुमने तीर्थ बनाया, आज हमारे जीवन पर माँ दुख का बादल छाया। गंगे गंगे तुम्ही करो उद्धार, तुम्ही करो उद्धार गंगे, तुम्ही करो उद्धार, तुम्ही करो उद्धार गंगे, तुम्ही करो उद्धार। भीख दया की दे दे मैया तेरे हाथ हजार, गंगे तुम्ही करो उद्धार, तुम्ही करो उद्धार गंगे, तुम्ही करो उद्धार। हरि चरणों को छोड़ा तुमने धरती का दुख टाला, ब्रह्मा जी का तजा कमंडल शिव ने भार संभाला। 60,000 सगर के बेटों की हरली जगज्वाला, तेरे पावन गंगा जल ने जग निर्मल कर डाला। द्वार तुम्हारे आया मैया छोड़ जगत के द्वार, गंगे तुम्ही करो उद्धार, तुम्ही करो उद्धार गंगे, तुम्ही करो उद्धार। भीख दया की दे दे मैया तेरे हाथ हजार, गंगे तुम्ही करो उद्धार, तुम्ही करो उद्धार गंगे, तुम्ही करो उद्धार। आओ गंगे पुण्य तरंगे मेरा ताप मिटाओ, मुक्त धाम के गंगा मैया मुझको राह दिखाओ। या तो दर्शन देकर माता दुख की घटा हटाओ, या लहरों के हाथ बढ़ाकर इस तन को ले जाओ। आओ आओ माँ गंगे, मुझ पापी का उद्धार करो। देवी, मैं विप्रश्राप से श्रापित हूँ, संसारी पाप तापों से तापित हूँ।
मुझे अपने वंश का धन समझकर अपनाओ, मुझ साधनविहीन को साधन बताओ। राजन चिंता ना करो, तुम तो मेरे तट पर ही आ गए हो। मरने पर जिनकी अस्थि भी मुझ में समा जाती है उनका भी उद्धार हो जाता है। माँ अब मैं 7 दिन तक कौन सा जप अनुष्ठान करूं जिससे मेरी मुक्ति हो जाए? श्री सुखदेव तुम्हारी मुक्ति का उपाय करेंगे। श्री सुखदेव अहो वकीयम तन काल कूटः जिघंसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततूयन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रज। नारायण नारायण नारायण। गुरुदेव करुणा निधान की दया तो देखी, बालघातनी राक्षसी पूतना ने कालकूट जहर लगाकर यशोदानंदन बालकृष्ण को मारने के लिए ही दूध पिलाया था, परंतु दुष्टा को भी दयालु कृष्ण भगवान ने माता की ही गति प्रदान की। सुखदेव प्रभु की महिमा दिखाने के लिए ही श्रीमद् भागवत रचा गया, सारे संसार को इसका ज्ञान कराना चाहिए। पर इसका उपाय मुनिराज? राजा परीक्षित। परीक्षित? हाँ, वो संसार त्याग कर परमात्मा में लीन होना चाहते हैं, इसलिए जाकर परीक्षित की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत सुनाओ। तुम्हारा ये अनुपम दान जग विख्यात होगा, कली काल में लोग इसे सुनकर संसार सागर को पार किया करेंगे, यही परोपकार है। जग की सेवा महाधर्म है, जग की सेवा महाधर्म है, दिल को दुखाना पाप कर्म है, पर हित में तू प्राण गवा दे वेदों का ये सार, पर हित में तू प्राण गवा दे वेदों का ये सार, पहन ले सेवा का तुहार तेरा हो जाए बेड़ा पार। भजमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। सुखदेव जी तो कहीं ठहरते ही नहीं, वो 7 दिन कैसे ठहरेंगे? किंतु भगवती भागीरथी का वचन निष्फल नहीं जा सकता। सत्य है, देखो वो आ रहे हैं। सुखदेव यही सुखदेव है? पधारिए पधारिए। आपने पधार कर इस दीनहीन पर बड़ी कृपा की। भगवान उस दिन मेरी बुद्धि पर अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ था, मैं आपको न पहचान सका। राजन आत्मवत् सर्वभूतेषु, हर आत्मा प्रभु का मंदिर धन्य है। प्रभु विप्र के शाप से शापित इस अधम का उद्धार कीजिए। राजन चिंता न करो, मैं तुम्हें अजर अमर बना देने वाली श्रीमद् भागवत की परम मनोहर कथा 7 दिन तक सुनाऊंगा, जिसके सुनने से सभी प्रकार के दुख शोक और संताप नाश हो जाएंगे और मन श्री कृष्ण भगवान के चरणार बिंदों में लीन हो जाएगा। बैठ बैठ। अब ध्यान से सुनो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
आप कहाँ जा रहे हैं? आज परीक्षित राजा के श्राप का सातवां दिन है, उनको तक्षक नाग अपनी विषाग्नि से जलाएगा। मैं भी वहां जाकर अपने मन का दिव्य प्रभाव दिखाऊंगा, मरे हुए राजा को अपनी मंत्र शक्ति से जिलाऊंगा। आपका प्रयास व्यर्थ है, और जिसकी मृत्यु आ जाती है उसे कोई भी नहीं जिला सकता। फिर तक्षक नाग तो महाविस्तर है, उसके काटे हुए पर यंत्र मंत्र औषधि कुछ भी प्रभाव नहीं दिखा सकती। ब्राह्मण, तुम कैसी अविश्वास की बातें करते हो? मंत्रों में वो शक्ति है कि नई शक्ति की रचना कर दे, मंत्रों से विश्व भस्म हो सकता है। मैं तक्षक नाग को ललकारूंगा कि तू अपनी पूरी शक्ति लगा दे, मैं भी कश्यप ब्राह्मण हूँ, वही तक्षक हूँ। अच्छा, तो आप ही नागराज तक्षक हैं? धन्यवाद जो आपसे रास्ते में ही भेंट हो गई। मैं जिसे काट लूं उसकी शिक्षा 10,000 महामंत्रों से भी नहीं हो सकती। तो यही चमत्कार दिखाइए, पहले मुझे ही डसिए। ब्राह्मण देवता, मैं आपको डस नहीं सकता, मैं भी डरता हूँ। यदि तुम मेरे काटे हुए को मंत्र द्वारा जिला देने की शक्ति है तो देखो, उस वृक्ष को मैं डसता हूँ, उस पर एक शिकारी भी चढ़ा है। अब अपने भयंकर विष का प्रभाव दिखाता हूँ, तुम इसे जिला दो। अच्छा, यही सही, आइए देखो मेरी शक्ति का चमत्कार। अब जिला कर दिखाओ तुम्हारी मंत्र शक्ति, मंत्र ज्ञान। ब्राह्मण देवता, सचमुच आपके मंत्रों में अद्भुत शक्ति है, आप सफल विद्या वाले हैं, किंतु मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप राजा परीक्षित के यहाँ क्यों जाते हैं? अपना दरिद्र दूर करने के लिए, अर्थात धन के लिए। फिर वहाँ जाने का कष्ट क्यों उठा रहे हैं? वो 1,000 मुद्रा देंगे तो मैं 10,000 मुद्रा देता हूँ। ऐसा करने से श्रृंगे ऋषि के श्राप का महत्व भी न घटेगा और तुम्हारा दरिद्र भी दूर हो जाएगा। तुम कहते तो ठीक हो, यंत्र मंत्र औषधि आदि अकाल मृत्यु को ही हटा सकती हैं। अब दशम स्कंध में मैं तुम्हें श्री कृष्ण भगवान की लीला बताता हूँ। जब जब होता नाश धर्म का और पाप बढ़ जाता है, तब लेते अवतार प्रभु यह विश्व शांति पाता है। जब जब होता नाश धर्म का और पाप बढ़ जाता है, तब लेते अवतार प्रभु यह विश्व शांति पाता है। जब कंस के अत्याचारों से यह भूमंडल बा, जब विप्र संत त्यागी वैरागी का पापी महाकाल हुआ। जब
जब पृथ्वी के हर आंसू पर टुकड़े टुकड़े पाताल हुआ, तब गर्भ से सती देवकी के उत्पन्न आठवां लाल हुआ। फिर वसुदेव निज लाल को मथुरा से गोकुल ले जाता है। फिर वसुदेव निज लाल को मथुरा से गोकुल ले जाता है। अवतार पालने में झूले संसार लोदियां गाता है। जब जब होता नाश धर्म का और पाप बढ़ जाता है, तब लेते अवतार प्रभु यह विश्व शांति पाता है। जब मिट्टी खाते कर्ण कुमार को धरा यशोदा मैया ने, मुँह खोल के सारा विश्व दिखाया माँ को कृष्ण कन्हैया ने। दही मटकी फोड़ी माखन खाया मोहन माखन चोर बने। कहीं मटकी फोड़ी माखन खाया मोहन माखन चोर बने। कहीं यमुना तट पर चीर गोपियों के हर घर पर जोर बने। कहीं मौत बकासुर की आती कन्या ही मारा जाता है। और काली नाग की दर्प जलन से शाम शाम कहता है। जब जब होता नाश धर्म का और पाप बढ़ जाता है, तब ले अवतार प्रभु यह विश्व शांति पाता है। हाँ प्रभु ने ब्रज की रक्षा के हित दावा नल का पान किया। मथुरा गोकुल वृंदावन का निज चरणों से उत्थान किया। जब यज्ञ रुका था इंद्र देव का क्रोध किया यसुरारी ने। जब यज्ञ रुका था इंद्र देव का क्रोध किया यसुरारी ने, तब उंगली पर पर्वत रोका हंस कर गोवर्धन धारी ने। कांधे पे कमलिया हाथ बसुरिया मोर मुकुट मन भाता है। गोपालिया पिया सब रात रचा कर रात रकैया मुरली मधुर बजाता है। नर में नारी नारी में नर यह भेद हमें समझाता है। रात में बंसी बजती उधर सुदर्शन चलता था।
एक बलधारी योद्धा मरता था, जब घड़ा पाप का भरा तो देखा मथुरा के नर नारी ने, फिर धंस कंस का किया देवकी नंदन कृष्ण मुरारी ने, फिर नाच उठा पृथ्वी का कण कण गगन पुष्प बरसाता है, जो कथा भागवत की सुनता भव सागर से तर जाता है। जब जब होता नाश धर्म का और पाप बढ़ जाता है, तब लेते अवतार प्रभु यह विश्व शांति पाता है। द्वादश स्कंध समाप्त, बोलो श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री कृष्ण चंद्रदेव की जय। प्रभु आपके मुंह से श्रीमद् भागवत पुराण सुनकर परमानंद हुआ। कल्याण हो। अब न मुझे मृत्यु का भय है और न तक्षक का डर। मृत्यु का बड़ा रूप छोड़कर छोटा रूप धारण कराया है। अब मेरी आत्मा परमात्मा में लीन हो गई है। ये देह जो नाशवान है मैं तुझे अर्पण करता हूं। सुखदेव संसार रूपी सर्प से डसे हुए राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुनाकर उद्धार किया। इस सुखदेव जी की ज्ञान कथा सुनकर मुझे विरक्ति हो गई। तो आप सबका हित साधन करने का उद्योग करें। पाठशाला और शहर में श्रीमद् भागवत का पठन पाठन करवा के जिससे प्राणी मात्र का कल्याण हो।